क्वेश्चन 48 देखो, एसर्शन दे रखा है ए, इफ ए ये सेट है देन द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगी, बिल्कुल ये सही है, एसर्शन जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि जो आइडेंटिटी रिलेशन होती है वो ट्रांजिटिव होती है। रीजन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज A is related to C, ये होता तो ये सही था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब assertion में क्या होता है, A is correct and R is false, वो वाला आंसर आ जाएगा हमारा, A correct and R is false, ठीक है, ये C option होता जनरली, ठीक। क्वेश्चन 50, consider the following statements. The product of two even and or odd function is an even function. अब देखो, एक even function का function consider कर लेते हैं हम, x square. Even function तो पता है, f minus x, अगर f minus x fx के equal आ जाए तो even function होता है, और odd क्या होता है, f minus x, अगर minus fx के equal आ जाए तो क्या हो गया, odd हो गया। एक odd function, ये तो even मान लिया हमने function, एक odd function मान लेते हैं, odd function मान लेते हैं fx is equals to साइन एक्स, भाई साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन हो, इवन हो या दो ऑड हो, टू इवन और ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, बिल्कुल सही है, कोई भी दो इवन फंक्शन ले लो, उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, या फिर दो ऑड फंक्शन ले लो, उनका जो प्रोडक्ट करोगे वो भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा, ये सही है स्टेट। The product of an even function and an odd function is an odd function, ये भी सही है, एक even function ले लो, एक odd function ले लो, इन दोनों का product क्या आएगा, एक odd function आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, only one वाला cancel हो गया, only two वाला भी cancel हो गया, only three वाला भी cancel हो गया, तो अब एक ही option बचता है, इसका मतलब ये statement भी हमारा correct होना चाहिए, check कर लेते हैं, every function can be expressed as a sum of an even and an odd function, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसमें option क्या हो गया हमारा, D, all of them।